अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपनी उम्मीद या अपने सपनों के बोझ तले बच्चों को दबाने लगते। इससे बच्चा अपने मन की बात या अपनी परेशानी परिजनों को बताने से कतराते। ऐसे में वो गलत कदम उठा लेते, चाहे वो घर से भागने का फैसला हो या खुद के साथ कुछ अनैतिक करने का। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। 15 वर्षीय एक छात्र पुलिस के पास पहुंचा और बोला कि अंकल, कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है। उसने कहा कि मैं उनकी पकड़ से किसी तरह भाग कर आया हूं, आपके पास पहुंच गया, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और सीसीटीवी खंगाले तो कहानी कुछ और ही निकली। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। एक 15 साल का छात्र ग्वालियर स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे एक पुलिस जवान के पास पहुंचता है और बोलता है, अंकल, कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है। वो लोग मुझे एक कार में लेकर आए थे और उस कार में मेरे जैसे कई और बच्चे भी थे। मैं तो किसी तरह उनकी पकड़ से छूट कर निकल आया हूँ, लेकिन और बच्चे उन्हीं के पास। ये बात इतनी गंभीरता से बच्चे द्वारा कही गई थी कि पुलिस वाला भी सकते में आ गया था। उसे तत्काल इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस की गंभीरता और तत्परता का परिणाम हालांकि कुछ और ही निकला। खास बात तो ये रही कि जब पुलिस ने उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो वो हैरान रह गई। ये इतनी बड़ी सूचना थी कि पूरा पुलिस महकमा ही इस सर्चिंग में लग गया था। जब बच्चे की कहानी अटकने लगी तो पुलिस विभाग को कुछ शक हुआ। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जहां बच्चे ने कार से उतरकर भागने की बात कही थी। वहां ना तो कोई कार थी और ना ही किसी भी प्रकार का कोई वाहन था। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर वो इस तरह से झूठ बोलेगा या कुछ गलत करेगा तो वो भी फंस सकता है। छात्र को प्यार से समझाया गया तो उसने पूरी बात धीरे धीरे खोलनी शुरू की। छात्र ने बताया कि उसके पेपर चल रहे और गणित के पेपर की बिल्कुल भी तैयारी उसने नहीं कर रखी थी। घर जाने पर माता पिता से डांट या फिर शायद मार भी पड़ सकती थी, इसीलिए उसने घर जाने के बजाय इटावा से सीधे पैसेंजर ट्रेन में बैठकर घर से दूर जाने की सोच ली। ग्वालियर आकर वो वहां उतर गया। बहरहाल पुलिस ने पूरी कहानी सुनकर तस्दीक के लिए इटावा पुलिस को इन्फॉर्म किया और बच्चे द्वारा बताए गए पते पर पहुंचकर जब परिवार के लोगों से जानकारी ली तो बच्चे की जानकारी सही थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल बुलाया गया और बच्चे को उनको सुपुर्द कर दिया गया। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह हमें अपने बच्चों को और अपने बीच की दूरियों को दूर रखना चाहिए। परीक्षा और उनके परिणाम उनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है और उन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनके साथ हमेशा एक ऐसा रिश्ता बनाकर रखें जिससे वो आपसे डरे नहीं बल्कि आपके साथ कंफर्टेबल रहें, इसके साथ ही आपकी इज्जत भी करें। एग्जाम फोबिया को एग्जामोफोबिया भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का फोबिया बच्चों में उनके फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के दौरान जरूर देखा जाता है। फेल होने का डर बच्चों के दिमाग को तनाव से घेर लेता है, जिसके कारण वो ऐसा अनैतिक कदम उठा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।